सुल्तान में इस बार अनुष्का के बदले कियारा आडवाणी का नाम शामिल हो सकता है। सलमान खान और कियारा फैमिली फ्रेंड्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी रखते हैं। वहीं कियारा का कहना है कि जब उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया तो उनके पिता ने सलमान से कहा, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं तब तक मुझे अपनी बेटी के इंडस्ट्री में होने से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान ही वो इंसान थे जिन्होंने कियारा को फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए एनकरेज किया था। ऐसे में दोनों की साथ में फिल्म तो यकीनन ही आएगी। इसके अलावा कियारा एक रेसलर की बॉडी के लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। कियारा फिलहाल इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है और सलमान खान भी अपनी फिल्म के लिए किसी टॉप पेड एक्ट्रेस की तलाश में है। कियारा का स्टारडम भी काफी भारी है, ऐसे में उनके फिल्म में शामिल होने से सुल्तान के हिट होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। सुल्तान 2 के लिए डायरेक्टर अली अब्बास को ही फिर से चुना जा सकता है, लेकिन वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कितने काबिल है कि उनकी रीसेंट फिल्मों का सक्सेस ही बता सकता है। वैसे अली अब्बास की कुछ चर्चित फिल्म है जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। साल 2011 में उन्होंने मेरे ब्रदर की दुल्हन से इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। ये फिल्म काफी ज्यादा हिट रही थी। इसके बाद उन्होंने 2014 में फिल्म गुंडे और 2016 में सुल्तान की थी। इन दोनों ही फिल्मों ने एक अलग ही रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा 2019 में अली अब्बास ने सलमान की फिल्म भारत भी डायरेक्ट की थी, जिसने 300 करोड़ के ऊपर की कमाई की थी। अली ने इसके बाद कुछ वेब सीरीज भी बनाई जिसने अपनी ओर से अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे अली के इस साल एक जबरदस्त फिल्म आ रही है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां 2, जो एक बिग बजट फिल्म है। सुल्तान के लिए सलमान को अमेरिकन स्टंट आर्टिस्ट लॉर्नेल स्टोवल ने खास ट्रेनिंग दी थी। लॉर्नेल की बातें करें तो उनका जन्म अमेरिका के लुसियाना में हुआ था, जिन्होंने मार्वल की फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एज अ स्टंट परफॉर्मर काम किया था। पर शायद इस बार लॉर्नेल सीक्वल में शामिल ना हो, क्योंकि मेकर्स उनके फाइट करने के तरीके को अब समझ चुके हैं। इस बार मेकर्स सुल्तान के किरदार को पिछली बार से अलग दिखाना चाहते हैं, ऐसे में फाइटिंग स्टाइल पे भी काम किया जाएगा। हो सकता है कि मेकर्स इस बार पूरी तरह से डीसी रेसलिंग की तरफ जाए, जिस वजह से लॉर्नेल की इस फिल्म में जरूरत ही ना हो। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।